तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता है कि जो मिरर होता है ना, मिरर से जितनी ये दूरी है ना, देखो एक बार रुको, देखो जहाँ पर ये खड़ा है ना, ठीक है 10 मीटर पे, यहीं पर बिल्कुल सेम दूरी पर 10 मीटर पे यहाँ पे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो। अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, ठीक है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अगर अभी सपोज करो इस कंडीशन के लिए, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। अब ये क्या कह रहा है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब अगर ये यहाँ पर आ जाए, ये आगे जाके, मतलब ये पर्सन यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसकी और इसकी इमेज की, देखो ये ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की इमेज की, वो ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, मतलब ये अपनी इमेज से 5 मीटर पर है, 5 मीटर पर है, ठीक है, यानी कि 5 मीटर पर है अपनी ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज से 5 मीटर की पे है, ठीक है, यानी कि देखो ये आपको पता है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होती है, ये 5 है टोटल, तो ये कितनी होगी 2.5 और ये 2.5, ठीक है। अब हमको बताना है ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, मतलब वो कितना वॉक करके आया होगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये पूरा का पूरा कितना है आपके पास 10 ही, और ये कितना, इतना कितना बचा 2.5, तो ये कितना वॉक किया होगा 7.5 मीटर, ठीक है, देखो पूरा 10 मीटर है, ये 7.5 मीटर वॉक करके आया, तब इसकी इमेज की यहाँ से बन रही है 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो 7.5 मीटर इसका ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है।